1.1 का अपडेट आ चुका है, कैसे डाउनलोड करें। हेलो गाइस, यू वाचिंग इशू गेमर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1.1 के अपडेट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, ये बात होगी ग्लोबल वर्जन की और पबजी केआर की, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि आप उसे प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि भाई, अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से पबजी केआर या फिर पबजी मोबाइल को डाउनलोड करते हो ना, तो हो सकता है कि आपकी आईडी बैन हो जाए या फिर गेम ओपन ना हो। आप सबको तो पता ही है कि पहले भी बहुत से लोगों की आईडी बैन हो चुकी है, उन लोगों ने थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड किया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पबजी मोबाइल की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा भाई एडवांस लेवल की कर दिया है। इसलिए गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। तब हम बात करते हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कैसे करोगे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में तो पबजी मोबाइल दिख नहीं रही है, ना ग्लोबल दिखता ना केआर दिखता है। इस वीडियो में आपको दोनों गूगल प्ले स्टोर पर दिखाऊंगा और गाइस आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे और उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना होगा। गाइज, हम प्ले स्टोर पे आ चुके हैं। आप अपना मोबाइल रोटेट कर लेना ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गाइज, मैं इंडियन जीमेल आईडी में आता हूँ। यहाँ पे मैं पबजी सर्च करता हूँ, ना ही पबजी मोबाइल आता है ना ही पबजी केआर आता है। अभी गाइज, मैं यूएसए की जीमेल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पबजी। तो यहाँ पे देखिए, पबजी मोबाइल न्यू इरा आ चुका है, यानी कि पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन आ चुका है। और यहाँ पे इवेंट्स में आप देख सकते हो 17 हावर एंड 14 मिनट दिखा रहा है, यानी कि 17 हावर बाद हमारा मेजर अपडेट आएगा, यानी कि जो मेट्रो मोड है वो आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा आपको इस जीमेल में। और जहाँ से गाइस आप पबजी मोबाइल का न्यू इरा अपडेट कर पाओगे बिल्कुल ईजिली और सेफली। और गाइस, यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे करना है वो आगे मैं आपको बता ता हूँ। यहाँ पे देखिए, सारे इवेंट दिखा रहा है जो कि आने वाले हैं इस अपडेट में। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो खुद भी। तो यहाँ पे देखिए, मेट्रो मोड के थीम और यहाँ पे भाई ट्रेलर सब कुछ इन लोगों ने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। और गाइज 17 हावर बाद ये अपडेट होना भी शुरू हो जाएगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं पबजी केआर की। तो यहाँ पे गाइज, हम ओपन कर लेते हैं दूसरी जीमेल, वहाँ पे हम सर्च करते हैं पबजी मोबाइल। और हाँ गाइज, पबजी मोबाइल केआर में दिखा रहा था कि अपडेट आ चुका है, बट गाइज वो एक ग्लिच है। एक भाई ने कमेंट भी किया था मेरे चैनल पे, वहाँ पे वो बोल रहा था कि अपडेट आ चुका है केआर का, बताओ कैसे करें। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो, बट गाइज अभी मत करना, अपडेट कल ही आएगा। अभी जो भी अपडेट शो हो रहे हैं वो एक ग्लिच है। और यहाँ पे देखिए, मैंने पबजी मोबाइल सर्च किया और पबजी मोबाइल केआर आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी कोई इवेंट नहीं शो कर रहा है जो कि पबजी मोबाइल न्यू इरा में शो कर रहा था, जो कि ग्लोबल वर्जन में बता रहा है कि कल अपडेट आएगा। यहाँ पे ऐसा शो नहीं कर रहा, बट गाइज आपको पबजी केआर में भी कल अपडेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से गाइज आप इजीली पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल केआर डाउनलोड कर पाओगे विदाउट एनी वीपीएन। और गाइज सिक्योर है, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से आप कर रहे हो इसलिए बिल्कुल सिक्योर रहेगा और आपकी आईडी भी बिल्कुल बैन नहीं होगी। गाइस, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। अगर आप पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन खेलते हो और उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो सेफली एंड सिक्योरली, तो गाइस आपको ज़रूरत पड़ेगी यूएसए की जीमेल की। उसे कैसे बनाना है वो गाइस मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है, आपको मैं फिर बता देता हूँ, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हो। उसे बनाने के लिए आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको यूएसए के सर्वर से कनेक्ट हो जाना है, उसके बाद अपनी न्यू जीमेल बनानी है, फिर गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है तो आपकी बन जाएगी। बट गाइज, अगर आप नहीं बना पाते हो यूएसए की जीमेल, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे गाइज आपको आपके नाम से यूएसए की जीमेल अकाउंट बना के दे दिया जाएगा, बट गाइज उसकी कुछ फ़ीस लगेगी जो कि ज़्यादा फीस नहीं होगी, 100 रुपीज़ से कम ही होगी, यानी 80 रुपीज़ से भी कम होगी। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके यूएसए की जीमेल ले सकते हो। ऐसे ही गाइज आपको पबजी केआर के लिए भी करना होगा, आप जापान का वीपीएन डाउनलोड कर लेना कोई भी, वहाँ पे जापान के सर्वर से कनेक्ट होकर खुद भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो। अगर गाइज आप नहीं बना पाते हो जापान का अकाउंट, तो भी गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको जापान की ईमेल आईडी बना के दे दी जाएगी परमानेंट। उसके बाद गाइज आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो और जब चाहो तब पबजी केआर या पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। उसका पूरा गाइज कंट्रोल आपके पास रहेगा, क्योंकि वो जीमेल आईडी आपके नाम से रहेगी। तो यदि आप लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो इंटरनेशनल जीमेल आईडी, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको बता दिया जाएगा आपको क्या करना होगा। गाइज आप सब कुछ समझ गए होंगे। और हाँ गाइज, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि थर्ड पार्टी ऐप से कम ही डाउनलोड करना, क्योंकि भाई इस बार सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। और आप सबको पता ही है कि पिछली बार बहुत से लोगों के अकाउंट बैन हुए थे और मैं नहीं चाहता कि किसी भी मेरे सब्सक्राइबर के अकाउंट बैन हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आईडी परचेज करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।